Good morning, students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 5th, subject science. ये chapter 2nd start कर रहे हैं आज वाले lecture से, जिसका नाम है soil erosion and conservation. मिट्टी का कटाव और उसका संरक्षण, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये चैप्टर पढ़ने का एम क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे सोयल और उसकी फॉर्मेशन के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ सोयल, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर दूसरे पौधे या फिर दूसरे जीवों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, सोयल इरोजन के बारे में और उसके जो तरीके हैं, किन तरीकों से मिट्टी का कटाव होता है, इरोजन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका मेथड्स ऑफ सोयल कंजर्वेशन, मिट्टी के संरक्षण के जो तरीके हैं उनके बारे में हमें के करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सोयल से. सोयल है क्या, किसे आप सोयल कहते हैं? आप मिट्टी देखते हैं जनरली, लेकिन उसकी बात अगर उसको मैं डिफाइन करने की अगर बात करूं तो सोयल क्या है, एक मिक्सचर, एक मिश्रण है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, वो पदार्थ जो पौधे और पशुओं से मिलता है, या फिर मैं बात करूं गैसेस भी प्रेजेंट रहती हैं, लिक्विड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और साथ में और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सोयल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, या फिर मैं ये कहूं इन सब चीजों का मिक्सचर जो है उसी को आप बोलते हैं सोयल, मिट्टी. अब आप अपनी डेली लाइफ में घर पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सोयल को, जिसमें अगर मैं बात करूं उसकी व्हेन वी टच सोयल, जब हम टच करके देखते हैं सोयल को, तो ये स्मूथ भी हो सकती है और रफ भी हो सकती है, कुछ चिकनापन भी हो सकता है, कुछ खुद्रापन भी हो सकता है, रफ सरफेस भी हो सकता है. अब यहां पे बात करें अगर हम इसके साथ ही, आप घर में भी अलग अलग जगह पे अगर आप घर से सोयल देखते हैं और उसको अगर आप ऑब्जर्व करें, तो उसका जो कलर है वो कुछ डिफरेंट हो सकता है, किससे, जो आपके खेत के अंदर जो सोयल होगी उससे कुछ अलग हो सकता है. कहने का मतलब डिफरेंट प्लेसेस सोयल में भी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे सोयल जो है वो डिफरेंट हो सकती है. कहने का मतलब उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं, ऑर्गेनिक मैटर के हमने बारे में बात करी, गैसेज लिक्विड्स या ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करी, वो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कलर अलग हो सकता है. अब यहां पे आप ऑब्जर्व करें अगर सोयल को, तो कई बार आप अलग अलग चीजें जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हैं सोयल के, वो आसानी से अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं, लेकिन कुछ टाइम में ऐसा रहता है, कई बार ऐसा हो जाता है, हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत भी पड़ती है. समटाइम्स वी नीड मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में लेंस बोल देते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है टू ऑब्जर्व और एग्जामिन सोयल, इसका परीक्षण करने के लिए, ध्यान से देखने के लिए आपको कई बार मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत भी पड़ सकती है. कहने का मतलब इस पॉइंट से क्या बताना चाह रहे हैं, कि इसके अंदर जो मौजूद कंस्टिट्यूएंट हैं उनका साइज जो है वो काफी छोटा हो सकता है. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सोयल फॉर्मेशन. सोयल फॉर्मेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें
सोयल फॉर्मेशन। तो आपके आसपास जो लैंड है, भूमि जो भी है, वो चेंज होती रहती है। चेंजेस विद टाइम, समय के साथ साथ आपके आसपास जो भी भूमि है वो बदलती रहती है। अब इन चेंजेस की अगर मैं बात करूं, ये जो चेंज है ये वाटर की वजह से भी हो सकते हैं, विंड की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर मैं कहूं लिविंग थिंग्स की वजह से भी ये चेंज हो सकते हैं। अब इन चेंजेस के बारे में अगर और ज्यादा हम बात करें, तो ये जो चेंजेस हैं, जमीन में होने वाले जो चेंजेस हैं, ये स्लो भी हो सकते हैं और फास्ट भी हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्लो चेंजेस के बारे में। जैसे कि माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन है, ये एक स्लो चेंज है, बहुत लंबा समय लग जाता है, लाखों साल लग जाते हैं कोई भी माउंटेन की, पर्वत की के बनने में। लेकिन अगर मैं फास्ट चेंजेस की बात करूं, जमीन में होने वाले फास्ट चेंजेस की अगर मैं बात करूं, तो कई तरह के कारण होंगे, जैसे कि वोल्केनोस, या फिर अर्थक्वेक, या फिर फ्लड, बाढ़, जो ज्वालामुखी के फटने की वजह से, भूकंप की वजह से, या बाढ़ की वजह से आपके आसपास की जमीन में तेजी से चेंज हो सकते हैं, बहुत जल्दी उसमें बदलाव आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोयल फॉर्मेशन में नेक्स्ट स्टेप की, कि हमारे आसपास जो जमीन है, लाखों साल पहले उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चट्टाने थी, ज्यादातर उसके ऊपर चट्टाने थी। अब हम बात करेंगे कि रॉक से सोयल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सोयल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे आप देखेंगे कि वाटर की वजह से, मैं कहूं विंड की वजह से, और साथ में चेंजेस इन वेदर, मौसम में होने वाले जो बदलाव हैं, उनकी वजह से भी जो चट्टाने हैं वो सोयल के रूप में कन्वर्ट होती हैं। पानी का जो तेज बहाव है, या फिर तेज हवाएं हैं, या फिर मौसम में जो बदलाव है, ये सब चट्टानों को तोड़ती हैं और ये छोटे टुकड़ों में टूट के मिट्टी का रूप ले लेते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें इसके बाद सोयल फॉर्मेशन के साथ साथ, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोयल। सोयल जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, या दूसरे पशुओं के लिए या पौधों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर यहां पे लूं, प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है सोयल की, तो सबसे पहले यहां पे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से मिलते हैं। इसी के साथ मैं अगर बात करूं यहां पे शेल्टर की, मैं बात करूं आश्रय स्थल, जो मिट्टी है वो पौधों के लिए एक तरह से आश्रय का भी काम करती है, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज करके पौधों की ग्रोथ भी होगी, और साथ में वो फूड भी ऑब्टेन करते हैं, भोजन भी उन्हें मिलता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कैसे डिपेंडेंट है पौधे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं एनिमल्स, या फिर ह्यूमन बींग्स, हमारी हम बात करें, तो इसमें कैसे हो सकता है। फॉर एनिमल्स
एंड ह्यूमन बीइंग्स, तो हमें भी सोयल के ऊपर हम भी डिपेंडेंट हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला फूड, भोजन हम जो भी खाते हैं वो या तो डायरेक्टली पौधों से यूज लेते हैं या फिर ऐसे पशुओं से लेते हैं जो पीछे पौधे खाने वाले होंगे। जैसे कि अगर मैं एनिमल से मिलने वाले फूड की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम दूध पीते हैं, घी खाते हैं या मीट खाते हैं, तो ये सभी हमें जिन पशुओं से मिलता है वो पशु पौधों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और उन पौधों की ग्रोथ के लिए सोयल इंपॉर्टेंट होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम भोजन के लिए सोयल के ऊपर डिपेंडेंट है, मिट्टी के ऊपर निर्भर है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं क्लोदिंग की, कपड़ों की, अब ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए होगा, एनिमल्स को अलग से कोई क्लोदिंग के कपड़े की जरूरत नहीं होती है। और इसमें भी अगर मैं बात करूं यहां पे नेचुरल फाइबर, जो भी प्राकृतिक रेशा है वो हम या तो पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर पशुओं से प्राप्त करते हैं, और जिससे आगे हम कपड़े की बुनाई करते हैं और उस कपड़े का फिर हम यूज करते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है शेल्टर, निवास स्थान, आश्रय स्थल। हम रहने के लिए घर बनाते हैं या और कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, सभी की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सोयल की जरूरत होती है, मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से हम यहां पे देख सकते हैं कि सोयल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सोयल इरोजन, सोयल इरोजन, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।